सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। यह विचार महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती दीपिका बजाज ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित जागरूकता शिविर एवं महिला मंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। शिविर में उप सिविल सर्जन डॉक्टर मीना बर्बर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती ऋतु गिल, जिला संरक्षण अधिकारी हरबंस कौर तथा परियोजना अधिकारी मनोज जैन ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से बताया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर्स, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स तथा महिला सरपंच एवं पंच भी उपस्थित रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हर साल ही मनाया जाता है, पूरे संसार में ही मनाया जाता है, वो हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो आज इस एवज में हम एक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंप में हम जो हमने आप पूरे डिस्ट्रिक्ट से आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारी महिला सरपंच और जो पंचेज हैं और कुछ महिला मंडल की औरतों को और स्वयं सहायता समूह की औरतों को यहाँ बुलाया हुआ है, उसमें हम उन्हें आज अवेयर कर रहे हैं उनके राइट्स के बारे में। यहाँ आज जिला स्तर पर जो महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें हम यहाँ भाग लेने आए हुए हैं। और ये एक गौरव की बात है सभी महिलाओं के लिए कि जो वो एक आदर और उनका सम्मान के लिए एक दिन के लिए विशेष तौर पे मनाया जाता है। और यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को उनके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, सारी उनको थोड़ी बहुत जानकारी। वहीं आदर्श महिला महाविद्यालय की प्रबंधकारिणी की अध्यक्षा दर्शना गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रकोष्ठ नवज्योति व बनारसी दास गुप्ता जन्म शती उत्सव श्रृंखला के अंतर्गत महाविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिला दिवस हर उस महिला के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत महिला सशक्तिकरण की है। इस अवसर पर स्त्री विषय सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, कविता, एकल नृत्य तथा हरियाणवी स्किट की छात्राओं द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर महाविद्यालय के अंदर हमने एक महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनका अभिनंदन हम लोग यहाँ आज करेंगे। जो किसी भी विधा में, कोई कल्चरल में है, कोई एकेडमिक है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हमने किया है। आज महिला दिवस है और उसके ऊपर आज बनारसीदास गुप्ता जी, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन महिला सुरक्षा, महिला उत्थान और महिला को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बिता दिया, तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है महिलाओं, छात्राओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हम आज उनको पुरस्कृत करें। उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गाँव पालुवास में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम व जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। वहीं बंसीलाल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कर्ण पूनिया, डॉक्टर वंदना पूनिया, डॉक्टर स्वाति शर्मा, डॉक्टर NK तनेजा व डॉक्टर संजय श्रृंगला ने शिरकत की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अलग अलग स्थानों पर महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे मैं देश व प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। जब जब देश की और प्रदेश की महिलाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तब तब उस देश का विश्व में डंका बजा है। और आज सही मायने में देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की ताकत को समझा है और इसी बात को लेके उन्होंने हरियाणा से महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसी बात से महिलाएं, आज हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की तादाद प्रदेश में, बेटियों की तादाद बढ़ी है और महिलाएं आज आगे बढ़ के हर कार्य को सफलता से कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने सक्षमता का और अपने अनुभव का लोहा मनवाया।